भारत और न्यूजीलैंड का वनडे मैच आज, सीरीज के पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, श्रेयस अय्यर बाहर। महिला विश्व कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, यूएई को 122 रन से हराया, अगले राउंड में पहुंचना तय। जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव जून 2024 तक रहेगा भाजपा अध्यक्ष पद पर, आडवाणी शाह के बाद लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले तीसरे नेता। दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार, केरल में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना मैंडेटरी, जापान में 357 लोगों की मौत। भारत को जल्द मिलेगी नई कोरोना वैक्सीन, हिमाचल में कसौली स्थित लैब में जांच के लिए पहुंची दवाइयों की 6 बैच, WHO से प्रमाणित इकलौती लेबोरेटरी। भारत से बातचीत की गुहार, फिर चंद घंटे में पलटा पाकिस्तान, कहा किसी मुद्दे पर रुख नहीं बदला, कश्मीर में 370 बहाल करे बाहर भारत। हाफिज सईद का बहनोई मक्की ग्लोबल टेररिस्ट घोषित, कश्मीर में हुए हमले का मास्टरमाइंड चीन ने इसी के लिए यूएन में लगाया था वीडियो। हमले के बाद मलबे में 36 घंटे दबी रही महिला, यूक्रेनी रेस्क्यू टीम ने 5वीं मंजिल से जिंदा निकाला, रूसी हमले में अब तक 40 की मौत। इटली का मोस्ट वांटेड डॉन 30 साल बाद गिरफ्तार, लोगों ने खुशी में तालियां बजवाई, गवाही देने वाले लड़कों को एसिड में डुबोया था। पाकिस्तान में 18 दिन से आटे की किल्लत, बाइक स्कूटर से आटे के ट्रकों के पीछे पैसे लेकर दौड़ रहे लोग, पाकिस्तान में 18 दिनों से आटे की किल्लत। नेपाल में प्लेन क्रैश के मलबे से 70 शव निकाले गए, लापता 4 लोगों की तलाश जारी, विमान का ब्लैक बॉक्स मिला। कांगो के चर्च में धमाका, अब तक 17 की मौत, 20 गंभीर रूप से घायल, ISIS ने धमाके की जिम्मेदारी ली। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर, बड़गाम में SSP ऑफिस के पास हुआ एनकाउंटर, पहली मुठभेड़ में बच गए थे आतंकी। राहुल ने बोला RSS पर हमला, कहा RSS दबता नहीं जा सकता, मेरी गर्दन काटनी होगी, वरुण को गले लगा सकता हूं पर विचारधारा के खिलाफ हूं। दिल्ली में गोली मारकर 5 लाख लूटे गए, लुटेरों ने बाइक सवार को पीटकर बैग छीना, कार वाला बचाने आया तो पिस्तौल तानी। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन, छात्र संघ बिल्डिंग के पास छात्र आमने सामने, ABVP और ISA के छात्र आमने सामने। बेंगलुरु में स्कूटी सवार ने बुजुर्ग को 1 किलोमीटर तक घसीटा, लोगों ने घेर कर पकड़ा, पीड़ित ने कहा मेरी गाड़ी में टक्कर मारी, रोका तो खींच ले गया। सिक्किम में ज्यादा बच्चे पैदा करने पर महिला कर्मचारियों को मिलेगा इंक्रीमेंट, IVF से मां बनने पर मिलेंगे 3 लाख, सिक्किम के CM ने किया ऐलान। भारतीय छात्र कुणाल चोपड़ा की ऑस्ट्रेलिया में मौत, कार दुर्घटना की वजह से गई जान, पंजाब के होशियारपुर जिले का रहने वाला है छात्र। नासा की एक अहम रिपोर्ट में दावा, साल 2022 5वां सबसे गर्म साल दर्ज किया गया, नासा के न्यूयॉर्क स्थित GISS के वैज्ञानिकों ने दी जानकारी।